हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आधार कार्ड में मनपसंद का फोटो लगाना चाहते हैं, इवन कि आपका पहले का फोटो आधार कार्ड में है और गाइस अभी अपना जो फोटो है उसको चेंज करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे आधार कार्ड में फोटो चेंज करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन आप 5 मिनट में अपने आधार कार्ड के फोटो को चेंज कर सकते हैं। तो 2023 का लेटेस्ट प्रोसेस बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और आपका आधार कार्ड में फोटो कितना दिन में चेंज हो जाएगा, इवन कि आपका आधार कार्ड न्यू वाला कितने दिन में मिलेगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में गाइस, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो को शुरू। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना और आपको यहाँ पे सर्च करना है myaadhar.uidi.gov.in। इस चीज को सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे आपके सामने माय आधार का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ होम पेज का यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अपने आधार कार्ड में फोटो को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करेंगे गाइस। उसके बाद आपको यहाँ एक कैप्चा दिखेगा, कैप्चा को सेम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद गाइस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी को गाइस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली आप माय आधार में अपना आधार लॉग इन कर चुके हैं। आपको गाइस कुछ यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा सर्विस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पे बहुत सारा सर्विस आपको दिया गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड आधार कार्ड, पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड का। तो अभी गाइस आधार कार्ड में फोटो चेंज करना है। फोटो चेंज करने से पहले आपको देखना है कि अपने आधार कार्ड में करंट का जो फोटो है वो कौन सा है, तो उसको चेक करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे डीपी का आइकन टाइप से शो होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड में करंट जो फोटो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये वाला फोटो आधार कार्ड में मौजूद है। अगर आप आधार कार्ड के बैक साइड को देखना चाहते हैं तो फ्लिप आधार कार्ड कर सकते हैं। अब गाइस इस फोटो का चेंज किस प्रकार से करेंगे वो जानते हैं। अभी हम इसको कट कर देते हैं, हमने अपना फोटो चेक कर लिया। अब आ जाते हैं गाइस हम वापस, तो यहाँ से कर जाना गाइस आपको लॉग आउट। आपको अपने आधार कार्ड में चेक करने के बाद लॉग आउट कर जाना। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, तो आपको नीचे के साइड में आना है। तो नीचे के साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो गाइस अपने आधार कार्ड में फोटो को चेंज करने के लिए आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फ्रेश आधार एनरोलमेंट, नेम अपडेट। तो यहाँ नीचे के साइड में देखेंगे गाइस तो बायोमेट्रिक फोटो फिंगर प्लस आयरिस, तो यहाँ पे आप फोटो चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ से उसके लिए आपको करना क्या होगा, बुक एंड अपॉइंटमेंट के नीचे आपको लोकेशन दिख रहा है, तो आपके एरिया में जो भी गाइस आधार सेवा केंद्र है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अभी आपका नियरेस्ट जो भी आधार सेवा केंद्र है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने गाइस कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको आधार अपडेट में ही रहने देना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को सेम फिल करेंगे। तो यहाँ पे इन सब को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे जाना है। पर यहाँ जाने से पहले एक चीज आपको कॉमन चीज हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है आधार इनरोलमेंट फॉर न्यू आधार। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 7 साल बच्चे का फ्री में आधार कार्ड बन जाता है। एंड यहाँ पे कैप्चा को फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसके बाद गाइस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। उसके नीचे आपको नेम ऑन आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है करंट में वो वाला नेम यहाँ पे फिल करेंगे। अब उसके बाद गाइस आपको यहाँ राइट साइड में सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अभी हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे झारखंड। उसके बाद गाइस यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं अपना सिटी। उसके बाद आधार सेवा केंद्र एसके रांची स्टॉप प्लाजा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड का
ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे गाइस अब आपको अपडेट क्या करना है वो सिलेक्ट करना है, जैसे नेम करना है, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। तो इन सब के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो अभी हम जो फोटो चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है बायोमेट्रिक वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपके सामने केवल फी आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको फोटो अपडेट करने के लिए या फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए 100 रुपये का चार्जेस लगेंगे। तो इस चार्जेस को आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो दोनों तरीका बताने वाले हैं। तो अभी हम इस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ से एक डेट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम किसी एक डेट को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि 3 तारीख। उसके बाद अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको एक अपना जो टाइमिंग है जाने का उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, तो आपको इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं हमने डेट एंड टाइम सेट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस डेट को गाइस हमें इस आधार सेवा केंद्र पे जाना होगा। अब जाना क्यों होगा वो आपको बताते हैं। क्योंकि गाइस आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना। तो आपको वहाँ पे पैसा वगैरह कुछ नहीं लगना, आप फ्री में जाके अपडेट करा सकते हैं। बट जो गाइस बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है वो आधार सेवा केंद्र में ही होता है। तो आपको एक बार बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा अपने आधार सेवा केंद्र में। तो वहाँ पे बस आपको विजिट करना और का काम हो जाएगा। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना है। बस आपका जो अभी पेमेंट करने के बाद जो आपका रिसिप्ट डाउनलोड होगा उस रिसिप्ट को आपको लेके जाना है। बस अभी आप सबमिट करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी हम सबमिट कर देते हैं उसके बाद पेमेंट का पेज आ जाता है। तो हम पेमेंट कर देंगे, अपना पेमेंट कर दिए, उसके बाद हमारे सामने एक रिसिप्ट आ जाएगा। उसी को गाइस आप प्रिंट आउट करा के या फिर अपने मोबाइल फोन में पीडीएफ के तौर पे लेके जा सकते हो। वहाँ पे गाइस आपका फिंगरप्रिंट लगेगा और आपके आधार कार्ड में न्यू वाला फोटो लिया जाएगा या फिर आपका मैन्युअली फोटो कैप्चर किया जाएगा, वो वाला फोटो अपडेट हो जाएगा। सो गाइस जिस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में फोटो को चेंज कर सकते हैं, अभी यही लेटेस्ट तरीका है। आपको एक बार सेवा केंद्र जाना ही होगा बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक का कोई सिस्टम नहीं है अभी। तो गाइस आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।